वेलकम टू पीआर किचन फ्रेंड्स। चलिए हम अपने किचन में कुछ डिफरेंट सी चीज बनाते हैं। मैं एकदम इंस्टेंट पनीर आपको बताऊंगी, ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप फटाफट उसको ब्रेकफास्ट में बच्चों के लंच के लिए बना सकते हो। और उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोज को कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मुझे जरूर बताइए कि आपको हमारे वीडियोज कैसे लगते हैं। ये देखिए मेरा पनीर, इसको मेरे बच्चे मम्मी पनीर कहते हैं, आप इसको कुछ भी कह सकते हो। वैसे ये शाही पनीर है जो झटपट बनेगा। इसके देखिए इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लगने वाले हैं इसमें। ये मैंने टमाटर लिए हैं 4, प्याज 2, हरी मिर्च और लहसुन। और इसको मैं बहुत अच्छी तरह से बहुत बारीक पीस लूंगी और साथ ही मैं पनीर भी बनाने के लिए दूध गर्म होने के लिए रख दूंगी। मेरे दूध में जब बॉईल आने लगेगा उस समय मैं उसमें जिस चीज से मुझे फाड़ना है वो मैं फाड़ूंगी। दही से अगर फाड़िए तो पनीर बहुत ही सॉफ्ट बनता है। आप इसके साथ नींबू से भी फाड़ सकते हो, आप विनेगर से भी फाड़ सकते हो। आज मैं विनेगर से फाड़ने वाली हूँ। मैं 2 चम्मच विनेगर लूंगी और उसमें पानी मिला लूंगी 1/2 कप, क्योंकि अगर डायरेक्ट विनेगर से अगर हम फाड़ते हैं तो पनीर हमारा हार्ड बनता है। अभी मैंने अपनी गैस फुल कर दी, इसको मैं थोड़ा सा स्पून से हिलाऊंगी। आप देखिएगा ये दूध थोड़ा थोड़ा सा फटने लगा है और इसी समय मैं थोड़ा सा और जो मेरा विनेगर है उसको भी डाल दूंगी, जैसे ये एकदम अच्छे से फट जाए। ये देखिए मेरा अलग हो गया है। ये घर का पनीर जो होता है इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। बहुत थोड़ा सा मैंने और डाला विनेगर और पानी का जो मिक्सचर था, इसको मैं अभी छान के ठंडे पानी से वॉश करके दबा के रख दूंगी। ये मेरे मसाले हैं कटे हुए, इसमें मैंने थोड़ा सा काजू भी डाला। अब मैं इसको एक बहुत फाइन सा पेस्ट बनाऊंगी, बहुत ही बारीक मुझे करना होगा। मेरी सब्जी का टेस्ट जो है इसके बारीक होने से ही आता है। थोड़ा सा मैं ऑयल लूंगी, मैं रिफाइंड ऑयल लूंगी जिसमें कि कोई स्मेल ना हो। मैं मस्टर्ड ऑयल इस समय नहीं लूंगी और इसमें मैं अपना ये पूरा पिसा हुआ मसाला इसमें डाल दूंगी और इसको मुझे स्लो आंच पर बहुत देर तक भूनना है। ये करीब 5-10 मिनट तो बहुत आराम से लग जाता है। जब ये मसाले साइड छोड़ने लगेंगे तब ये मेरा रेडी होगा। देखिए थोड़ा थोड़ा सा हो रहा है। इसको मुझे बराबर चलाते रहना है क्योंकि इसमें काजू पड़ा हुआ है, क्योंकि वो नीचे लग सकता है। ये मेरा ड्राई हो गया, मैं इसको ढक ढक करके पकाऊंगी। मैं इसके बाद इसमें थोड़ा सा टोमेटो सॉस डालूंगी। आज मैं एक रेडीमेड मसाला इसके साथ लेने वाली हूँ जिसमें धनिया, जीरा, गरम मसाला, थोड़ा सा कसूरी मेथी और सॉल्ट मिला हुआ है। आप इन सारी चीजों को अलग अलग लेकर के भी मिक्स कर सकते हो। आप या तो ये मसाले मिक्स करके बना करके रख सकते हो एक जगह, क्योंकि मॉर्निंग में जब आपको बच्चों को स्कूल भेजना होता है तो ज्यादा टाइम नहीं होता, आपका ये काम फास्ट फास्ट हो जाएगा। और इसमें मैं पानी नहीं डालूंगी, मैं 1/2 पोर्शन दूध का और 1/2 पोर्शन पानी का गर्म करके फिर उसको डालूंगी। अगर मैं केवल दूध डालूंगी और ठंडा डालूंगी तो वो फट जाएगा, तो इसका बहुत ध्यान रखना होगा कि दूध और पानी मिक्स करके ही इसमें डाला जाए। अदरवाइज आप इसमें क्रीम भी डाल सकते हो। ये रेगुलर की सब्जी है, ज़्यादा हैवी हो जाएगी तो मैं इसमें क्रीम कम प्रेफर करती हूँ, बट आप पार्टीज के लिए बना रहे हो तो आप इसमें क्रीम डाल सकते हो। इसके साथ ही मैंने जो आपको बताया वो मसाले मैं इसमें मिक्स करने जा रही हूँ। आप कोई भी रेडीमेड मसाला लेकर के इसमें डाल सकते हो, जो शाही पनीर का मसाला होता है। अभी ये 10-15 मिनट से मेरा मसाला भुन रहा है, 10 मिनट नियरली होने वाले हैं। इस बीच मेरा पनीर भी तैयार हो गया होगा जिसको मैंने वॉश करके दबा करके रख दिया था। अभी मैं इसको काट लूंगी स्क्वेयर्स में या जिस शेप में आपका मन करे।
और मैं उसको पनीर में डाल दूंगी, क्योंकि पनीर में थोड़ी देर तक वो पकना चाहिए जिससे ग्रेवी का टेस्ट पनीर के अंदर भी आए, अदरवाइज पनीर वो फीका लगता है खाने में। इसको मैं थोड़ी देर तक ढक करके अच्छे से मिक्स होने दूंगी। इसको मुझे बहुत हल्के हाथ से चलाना है क्योंकि पनीर एकदम ताजा है। इसको देखिए, मैंने 5 मिनट ढकने के बाद इस तरीके से इसका सेपरेट होने लगा है। और अब मैं इसमें कैप्सिकम, मैं अलग अलग कलर के लिए हुए हैं, मैं उसमें डाल दूंगी। कैप्सिकम से एक बड़ी अच्छी सी स्मेल आती है और देखने में भी अच्छा लगता है। अगर आपके पास कैप्सिकम नहीं है तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, वैसे भी शाही पनीर में कैप्सिकम नहीं पड़ता है। ये देखिए, मैंने सर्व किया। खाइए, खिलाइए और मुझे ज़रूर बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।